हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि कुमार रंजन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रवि क्रिएटिव जंक्शन। तो फ्रेंड्स, बिहार में भूमि सर्वे को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ी खुलासा किया गया है। अगर बिहार में आप निवास करते हैं और किसी सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं तो उस ज़मीन को खाली कराकर एससी एसटी का कब्जा है तो खतियान में उनका दर्ज होगा नाम। तो बिहार लैंड सर्वे, बिहार में जमीन सर्वे से बड़ी जानकारी खुलकर सामने आ रही है। जमीन पर कब्जा है तो खतियान में दर्ज होगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पर्चाधारियों का नाम भू सर्वेक्षण में शामिल किया जाएगा। बिहार लैंड सर्वे के अनुसार बिहार में भूमि सर्वेक्षण में गैर मजरुआ आम जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए राहत की गुंजाइश रखी गई है। अगर इस श्रेणी में जमीन पर इन वर्गों का आवास है तो उन्हें बेदखल करने के बदले उसे वैध तरीके से अधिकार देने का उपाय किए जा रहे हैं, भले ही वो उस भूमि का स्वामित्व नहीं है और पहले से कोई भी कागजी प्रक्रिया पूरी न की गई हो। बिहार भूमि सर्वेक्षण के मार्गदर्शिका में इसका परिविधान किया गया है कि सर्वे कर्मी देखेंगे कि गैर मजरुआ जमीन पर कानूनी तौर पर बंदोबस्ती के बिना भी लंबे समय से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोग के आवास है तो उन्हें उस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। फिर विधि सम्मत निर्णय लेने के लिए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पास भेजा जाएगा। कोशिश यह है कि इस जमीन पर आवास बनने वाले परिवार बेदखल न हो, इस तरह की शिकायत लंबे समय से आ रही है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के परिवार किसी गैर मजरुआ जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं तो उन्हें कानूनी अधिकार मिला है या नहीं मिला है तो खतियान में दर्ज होगा नाम। राज्य सरकार जो है भूमिहीनों के आवास के लिए ज़मीन देती है, इसके लिए वास्कित का पर्चा दिया जाता है। वास्कित पर्चा निर्गत होने के आधार पर स्वामित्व बदलता है या जमाबंदी में पर्चाधारी का नाम दर्ज होता है, लेकिन खतियान से मूल भू स्वामी का नाम कायम रहता है। यह निर्देश में कहा गया है कि सर्वे के दौरान खतियान में भी वास्कित पर्चाधारियों का नाम दर्ज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।